आज हम एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को हमेशा मिली जुली तहजीब के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से बाहरी ताकतें देश के मुसलमानों में कट्टरता का जहर घोलने की साजिश रच रही हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन किताबों और इस्लामी लिटरेचर पर सऊदी अरब और मिस्र जैसे मुस्लिम मुल्कों में बैन लगा दिया गया है, वो किताबें भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं। जी हाँ, भारत में ऐसी किताबें दुकानों पर बिक रही हैं, मदरसों की लाइब्रेरीज में रखी हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरी में मौजूद हैं, जो आतंकवाद का पाठ पढ़ाती हैं, जो जिहादी और फिदायिन मानसिकता को जन्म देती हैं। हम ये सारी बातें इतने दावे से क्यों कह रहे हैं? इन दावों में कितनी हकीकत है? इस हकीकत को हम तफसील से बताते हैं और समझाते हैं, इस पूरी कहानी से पर्दा उठाते हैं। सऊदी अरब में 1979 में जब किंग फैसल फाउंडेशन ने सर्विस टू इस्लाम, इस्लामिक स्टडीज, अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मेडिसिन एंड साइंस के क्षेत्र में इस्लामी दुनिया के नोबेल प्राइज का ऐलान किया, तो सर्विस टू इस्लाम के क्षेत्र में पहला किंग फैसल अवार्ड मौलाना अबुल आला मौदूदी को दिया गया। याद रहे कि 2015 में यही अवार्ड जाकिर नायक को भी मिल चुका है। 1903 में पाकिस्तान में पैदा हुए मौलाना अबुल आला मौदूदी जमात इस्लामी के संस्थापक हैं, और आज भी अगर आप किंग फैसल फाउंडेशन की वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें मौलाना मौदूदी का परिचय बड़ी ही शानो शौकत और इज्जत के साथ कराया गया है। लेकिन 2015 में एक खबर ने इस्लामी जगत में सबको चौंका दिया। वो खबर थी कि सऊदी सरकार ने मुस्लिम ब्रदरहुड यानी इख्वानुल मुस्लिमीन के संस्थापक हसन बन्ना और सैयद कुतुब के साथ मौलाना मौदूदी की लिखी तकरीबन 80 किताबों पर पाबंदी लगा दी है। सऊदी के स्कूलों, लाइब्रेरियों और रिसर्च सेंटरों को यह हुक्म दिया गया कि इन तमाम लेखकों की किताबें शिक्षा मंत्रालय में फौरी तौर पर जमा करा दी जाएं, और खबरदार किया गया कि किसी के पास यह किताब न रहे। दलील ये दी गई कि इन किताबों पर पाबंदी सऊदी अरब में आतंकवाद उभारने वाले लिटरेचर के खिलाफ मुहिम का हिस्सा है। मौलाना मौदूदी की जिन किताबों पर पाबंदी लगाई गई उनमें अल जिहाद फिल इस्लाम के अलावा पर्दा, इस्लाम और जाहिलियत, तफसीर सूरह नूर, शहादत हक, इस्लामी दस्तूर की तदवीन, इस्लामी निज़ाम जिंदगी, माशियात इस्लाम, कुरान की चार बुनियादी इस्तिलाहें जैसी अहम किताबें शामिल हैं। सऊदी से पहले बांग्लादेश में भी मौलाना मौदूदी की किताबों पर पाबंदी लगाई जा चुकी थी। उधर मिस्र की अल अजहर यूनिवर्सिटी ने भी मौलाना मौदूदी, हसन बन्ना और सैयद कुतुब के अलावा इब्ने तैमिया और इब्ने अब्दुल वहाब नजदी जैसे बड़े इस्लामी विचारकों और लेखकों की तमाम किताबों पर पाबंदी लगा रखी है। अभी ये तकरीबन 2014-15 की बात होगी। वहाँ से फारिग होने के बाद जब मैं हिंदुस्तान में आया तो मैंने अल अजहर का एक बयान देखा जो यहाँ के उर्दू अखबारों ने भी उसको किया था, और मैंने ओरिजिनल वहाँ के अरबी अखबार से लिया था कि उन्होंने अबुल आला मौदूदी की किताबों को, उन्होंने एक लफ्ज़ एक पूरा जुमला लिखा था कि अबुल आला मौदूदी की फ़िक्र और उसकी फ़िक्र जैसी जितनी भी फ़िक्रें हैं वो इस्लाम के लिए नुकसानदेह हैं। वहाँ पर उन तमाम ऐसी फ़िक्रों की तमाम किताबों को उन्होंने खारिज किया, रिजेक्ट किया, बैन लगाया। मिस्र की अल अजहर यूनिवर्सिटी इस्लामी जगत में केंद्र की हैसियत रखती है। अल अजहर यूनिवर्सिटी दुनियाए अहले सुन्नत में, बल्कि मैं कहूँगा कि दुनियाए इस्लाम में उसकी एक मुनफरिद हैसियत है। अफ्रीका के तकरीबन जो 50 से 54 ममालिक हैं वहाँ पर तो उसको मरकज़ी हैसियत हासिल है। इसके अलावा जो गल्फ ममालिक हैं, अरब, सऊदी अरब से लेकर के यहाँ तक कि कतर वगैरह में भी उसकी अपनी अहमियत है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन किताबों पर बैन क्यों लगाया गया? दरअसल 2015 में जब अरब मुल्कों में बदलाव की लहर उठी तो उसमें सीरिया, मिस्र, लीबिया, इराक और यमन जैसे मुल्कों में दर्जनों आतंकवादी तंजीमों ने जन्म लिया। सऊदी अरब तो इन किताबों पर बैन लगाकर बच गया, लेकिन मिस्र में बैन लगने में देरी हुई जिसका मिस्र को खामियाजा भुगतना पड़ा, और जिन मुल्कों में पाबंदी नहीं लगी वो आज भी आतंकवाद से जूझ रहे हैं। वहीं हमारे देश भारत में ये तमाम किताबें दस्तयाब हैं और इस पर कोई पाबंदी नहीं है। भारत के दो बड़े मदरसे दारुल उलूम देवबंद और नदवतुल उलूम की लाइब्रेरी में स्टडी के लिए ये किताबें मुहैया हैं। पुरानी दिल्ली और ओखला में ये किताबें मिल सकती हैं। साथ ही साथ मौलाना मौदूदी की फिक्र और तहरीक की शक्ल में
جماعت اسلامی ہند دیش بھر میں سرگرم۔ دارالعلوم دیوبند میں لائبریری ہے، وہاں پر بہت دیگر کتابیں ہیں۔ حسن البنا، سید قطب شہید، ابن عبد الوہاب نجدی اور بھی اس طرح کی دیگر کتابیں وہاں پر رکھی ہوئی ہیں، اور دیوبند میں اس کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ ان کتابوں کو ایک عام مسلمان کیسے حاصل کر سکتا ہے، اس کا ریئلٹی چیک کرنے کے لیے ہم بھی نکلے۔ ہم نے ابو الفضل انکلیو میں ایم ایم آئی پبلشرز کا دورہ کیا۔ لائبریری نما اس دکان پر مولانا مودودی کی الجہاد فی الاسلام سمیت تمام کتابوں کے علاوہ حسن بنا اور سید قطب کی کتابیں بھی آسانی سے حاصل ہو گئیں۔ یہ وہی کتابیں ہیں جو سعودی عرب اور مصر میں بین ہیں۔ ان کتابوں سے خطرہ اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ جب مسلم بدرہڈ مصر میں آندولن کر رہا تھا تو اس کی حمایت میں دیش بھر میں جلسے ہو رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں، جب 2014 میں آئی ایس آئی ایس نے عراق پر حملہ کیا اور بھاری قتل عام ہوا تو اس وقت بھارت کے ایک بڑے مدرسے ندوۃ العلوم کے مہتمم سلمان ندوی نے آئی ایس آئی ایس کے خلیفہ ابو بکر البغدادی کو خط لکھ کر مبارکباد دی اور اس کی خلافت قبول کی۔ ساتھ ہی لکھنؤ کے ایک بڑے عالم دین عبد العلیم فاروقی نے فیس بک پر پوسٹ ڈالا جس میں آئی ایس آئی ایس کے قبضے والے چھیتر کے ساتھ بھارت کے نقشے پر بھی آئی ایس کا جھنڈا لہرایا گیا اور پوسٹ کے کیپشن میں لکھا گیا سبحان اللہ، حالانکہ بعد میں وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی گئی۔ سلمان ندوی صاحب کو معلوم تھا ابو بکر بغدادی تو کون سپورٹ کر رہا ہے، تو اس کے امیر کو خوش کرنے کے لیے انہیں نے یہاں سے لیٹر جاری کیا۔ اسی طریقے سے فاروقی صاحب کا بھی معاملہ یہی کہ ان کو وہاں کے امیر کو خوش کرنا ہے، کیونکہ ان کو اپنی ایک آرگنائزیشن کو، اپنی سطح کو، اپنے موومنٹ کو بھارت میں چلانے کے لیے ان سے اسسٹنٹ چاہیے، اس سے اسسٹنس، اس سے مدد لینے کے لیے وہ کسی حد پہ جا سکتے ہیں۔ اب سوال یہی اٹھتا ہے کہ سعودی عرب جس اسکالر کو اسلامی جگت کا سب سے بڑا اوارڈ دیتا ہے اسی کی کتابوں پر 36 سال بعد پابندی لگا دیتا ہے تو بھارت میں کیوں نہیں؟ اسلامی جگت کے دو بڑے کیندر سعودی اور مصر میں جب یہ کتابیں بین ہیں تو بھارت میں کھلے عام کیوں بک رہی ہیں؟ بات بات میں دھارمک معاملوں میں سعودی عرب کا حوالہ دینے والے ان کتابوں کی پابندی کا حوالہ کیوں نہیں دیتے؟ کیا یہ کتابیں بھارت جیسے شانتی پریہ دیش میں آتنکواد کا زہر نہیں گھول رہی ہیں؟ کیا یہ کتابیں بھارت میں بارود کی شکل میں جگہ جگہ نہیں پھیلی ہوئی ہیں؟ ایسے سلگتے اور تڑپتے سوال ایک سبھی ناگرک کو پریشان کرتے ہیں۔ مسلم سماج کا ایک بڑا طبقہ بھارت میں بھی ان کتابوں پر پابندی کی مانگ کر رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بھارت کی ملی جلی سنسکرتی کے لیے یہ کتابیں خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔